झंडुता विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेआर कटवाल ने कहा कि आज देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास के पथ पर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज जो फैसले पिछले 70 वर्षों से लंबित पड़े थे, चाहे धारा 370 को हटाने की बात हो या अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे नागरिकता संशोधन कानून की बात हो, मोदी सरकार देश के हित में कानून बना रही है, लेकिन देश को तोड़ने की बात करने वाले वामपंथी लोग भी षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। झंडुता विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेआर कटवाल ने कहा कि आज देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास के पथ पर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज जो फैसले पिछले 70 वर्षों से लंबित पड़े थे, चाहे धारा 370 को हटाने की बात हो या अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात हो, और चाहे नागरिकता संशोधन कानून की बात हो, मोदी सरकार देश हित के लिए कानून बना रही है, लेकिन देश को तोड़ने की बात करने वाले वामपंथी लोग भी षड्यंत्र करने में लगे हैं। हाल ही में जब नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में देश भर के लोग खड़े हो गए, तो इन लोगों ने शिक्षण संस्थानों में हिंसा भड़काकर देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। जेएनयू जैसे पर्याप्त विश्वविद्यालय में वामपंथियों द्वारा सुनियोजित तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया, और अब झूठ और कुछ मीडिया समूहों की सहायता के माध्यम से देश की जनता को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। असल में जेएनयू में हुई हिंसा कोई विषय नहीं है, बल्कि जब पूरे देश में अब सीएए को लेकर समर्थन हो रहा है, तो वामपंथियों से ये बात हजम नहीं हो रही है, तो ये लोग हिंसा करके कहीं ना कहीं सीएए का विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय के लिए एक वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। देश भर में 950 से अधिक विश्वविद्यालय हैं और 40,000 के लगभग कॉलेज हैं। 3-4 स्थानों पर ऐसे हिंसक प्रदर्शन से ये देश भर में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन देश के नागरिक इनके करतूतों को समझ चुके हैं और इसलिए इन लोगों को हर जगह नकारा जा चुका है। हिंसा के नाम पर बसों को जलाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान डालने के लिए आम छात्रों को पीटना ताकि पढ़ाई ना हो और देश भर का माहौल बिगाड़ना, ये प्रदर्शन का कोई तरीका नहीं है। जिन छात्रों को देश की तरक्की के विषय में सोचना चाहिए, उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ दल भड़काने का काम कर रहे हैं। ये देश कभी ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। नागरिकता अधिनियम 2019 के मुद्दे पर जितना समर्थन भारतवर्ष की राष्ट्रवादी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो समर्थन मिला, उससे विरोधी दल कांग्रेस और वामपंथी दल घबराकर बौखलाहट में हिंसा पर उतारू हो गए। पूरे देश में 950 विश्वविद्यालय हैं और 40,000 के लगभग कॉलेज हैं। कुछ ही गिने चुने संस्थानों में ये हिंसक घटनाएं प्रदर्शन हुए। ये वामपंथी विचारधारा की जो तोड़फोड़ की राजनीति है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। बाकी विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं हुए? और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन मुद्दों को वर्षों से लटके हुए थे, उनका हल निकाला, ये बात विरोधियों को हजम नहीं होती। और वक्त आ गया है कि पूरा देश मिलकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा हो और इस देश के विकास के लिए, इस देश की राष्ट्रवादी विचारधारा के अंतर्गत हम सब मिलकर काम करें।